तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड इसी फ़ैन का एक किट जिसको हमने अमेजन से मंगवाया है, आप देख सकते हैं। और इस किट को हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, अब अगर किसी आप मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे जैकेट मंगवा सकते हैं। और इसका प्राइस पड़ेगा अमेजन से मैंने लिया है 1850। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या मिला है। आपको ये अमेजन से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है लिंक। और इसका प्राइस है 1850 यानी 2000 है। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी पैकिंग के साथ, कपड़ों के पैकिंग के साथ दिया हुआ है ताकि ये कहीं पर सामान आते समय फट ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप दिया हुआ है और यहाँ पर एक टोपी दिया हुआ है ऊपर देने के लिए, और इसके साथ भी कपड़ा वगैरह दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमोट दिया हुआ है, BLDC वाला रिमोट, इसी में रिमोट के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर है अहम चीज़, इसका देख सकते हैं यहाँ पर इसका दिया हुआ है सर्किट, जो BLDC सर्किट है हमारा, तो देख सकते हैं ये है BLDC सर्किट। इसमें दो कनेक्शन है और इसमें आप AC सप्लाई देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट AC सप्लाई। और यहाँ पर हमारा मोटर के साथ कनेक्शन जाएगा। और ये देख सकते हैं दो लाइन दिया हुआ है, इसमें आप डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं और सोलर प्लेट से भी इसमें चला सकते हैं। ये आपका 12 वोल्ट से 30 वोल्ट तक वर्क करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रिले वगैरह दिया हुआ है। और रिमोट के बारे में आपको बता देता हूँ, और देख सकते हैं ये एक वाईफाई रिमोट है, इसको आप फैन के ऊपर मारना नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी मार सकते हैं। एक वाईफाई रिमोट है बहुत, ताकि जो कि है बहुत अच्छी है। और अभी देख लेते हैं हमारे कोयल जो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट और कोयल एक साथ है। और यहाँ पर हम कोयल को निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है BLDC कोयल, देख सकते हैं इस कोयल को हम फिटिंग करेंगे यहाँ पर। और आगे है हमारा लास्ट में क्या दिया हुआ है मैग्नेट, इसको हम खोल लेते हैं। बड़े ही अच्छी पैकिंग के साथ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैग्नेट है दिया हुआ है, तो जो मैग्नेट हमारा बैठेगा फैन के अंदर। तो अब हम इसको यहाँ पर फिटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बिठा दिया मैग्नेट को, उसके बाद देख सकते हैं हमने कोयल को इस तरह से बिठाना है। तो देख सकते हैं ये कोयल बैठ चुका है, फ्री घूम रहा है। और अब हम इसकी ऊपर के जो ढक्कन है, हमारा जो नॉर्मल फैन का ढक्कन है, इसको हम लगाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं बड़े ही आसानी से हमने मैग्नेट को और कोयल को फिट कर दिया है। और अब हम ऊपर का ढक्कन लगा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये बड़े ही आसानी से फिट हो चुका है हमारे नॉर्मल फैन के साथ, BLDC फैन का। तो इस वाले प्लेट को हम यहाँ पर लगाएंगे, देख सकते हैं। तो अब हम ये कैपेसिटर से जो नट खोला है, इस नट को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब जो कि है हमारा जो सर्किट है, हम इस सर्किट को यहाँ पर बिठाएंगे। और यहाँ पर हमें कंपनी ने ऑलरेडी दो स्क्रू देखे रखा है, और इन दो स्क्रू को हम यहाँ लगाएंगे, एक लगाएंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये हमारा सर्किट आसानी से यहाँ पर बैठ चुका है। तो अब हम स्क्रू को यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक स्क्रू लगा देंगे और इस साइड में एक स्क्रू लगाएंगे। ये दोनों स्क्रू हमने कंपनी ने दिया हुआ है, तो इन दोनों स्क्रू को संभाल के रखना है और यहाँ पर लगा देना है दो स्क्रू, ताकि हमारा सर्किट इधर से उधर ना भागे। अब जो कि है हमारा ये जो कोयल का जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देख सकते हैं इसका ये वाला जो साइड है, ये हमें इस तरफ रखना है, और हमें ये इसको हम यहाँ पर आसानी से लग चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा देख सकते हैं ये हमारा 220 वोल्ट का AC सप्लाई लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते और दो कनेक्शन है, इसको आप बैटरी से भी 12 वोल्ट बैटरी से भी लगा के चला सकते हैं और सोलर प्लेट से भी लगा के चला सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा डायरेक्ट बिजली से चलाएंगे, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फैन जो है मुकम्मल फिटिंग हो चुका है। अब जाके हम ऊपर सीधा कनेक्ट करेंगे और इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे और आपको चला के दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको कनेक्शन कर चुके हैं, देख सकते हैं। और यहाँ इसके ऊपर इसको कैप को भी लगा दिया है। अब हम इस कैप को कर देते हैं डाउन, और ये हमारा सर्किट बिल्कुल सेफ हो चुका है, बराबर देख सकते हैं।